असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए शासन के द्वारा दिए जाने वाले पेंशन योजना प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के शिविर का आयोजन श्रम विभाग के कार्यालय में किया गया, जिसमें 18 से 40 वर्ष के बीच के असंगठित मजदूरों का रजिस्ट्रेशन किया गया। इसके पात्र लोगों को 60 वर्ष की आयु के बाद योजना के अधीन प्रत्येक पात्र को 3,000 रुपए महीने का पेंशन दिया जाएगा। योजना में उम्र के आधार पर 55 से लेकर 200 रुपए का किस्त प्रत्येक महीने देना पड़ेगा और 60 वर्ष पूरा होने के बाद उन्हें 3,000 रुपए प्रति माह पेंशन आजीवन दिया जाएगा। इस संबंध में उप श्रम आयुक्त AK सिंह ने बताया। ये प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है और ये उन असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए है जिनकी उम्र 18 से लेकर के 40 वर्ष है। वो इस योजना के तहत अपना जो है अंशदान जमा करेंगे और उसके बाद ये 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद इनको 3,000 प्रतिमाह पेंशन दे होगा मिलेगा। श्रमिक है कि व्यापारी भी है? नहीं, व्यापारियों के लिए अलग जो है NPS के नाम से है, व्यापारियों के लिए योजना चल रही है, वो भी इसी प्रकार की है। उनमें भी उम्र की बाध्यता 18 से लेकर के 40 वर्ष है और उन्हें 60 वर्ष के बाद उनको भी 3,000 पेंशन देने की व्यवस्था है। सरकार का ये उद्देश्य है कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिक एवं छोटे लघु व्यापारी भी अपनी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें और इस योजना के अंतर्गत अपना पंजीयन करा करके और पेंशन का लाभ ले सकें। ये कैंप लगा आज ही के लिए कि आगे भी रहेगा? नहीं, ये समय समय पर कैंप लग रहा है और इस संबंध में भी अवगत कराना है कि गोरखपुर मंडल जो है इस योजना के अंतर्गत आवर्त करने वाले पंजीयन करने वाले श्रमिकों में अंडर 10 में जो है स्थान है और हमारे महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया और गोरखपुर का भी ये 10 के अंतर्गत स्थान है और अधिक पंजीयन यहाँ किया गया। और ये कैंप केवल आज के लिए नहीं है, इसके पहले अमर उजाला की ओर से लगाया गया था और आज भी लगा है और ये समय समय पर हर सप्ताह लगेगा। और इसके अलावा भी अगर कभी भी कोई चाहे तो ये CSC के माध्यम से भी अपना इस योजना के अंदर पंजीयन करा सकता है।